एनपीएस वात्सल्य योजना जो केवल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत लाई गई है, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित पेंशन योजना प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना में माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों के लिए 18 साल की उम्र तक निवेश कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं निवेश, बता दें कि इस योजना में टियर अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपए निवेश किए जा सकते हैं, वही टियर अकाउंट में न्यूनतम 1000 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। निवेश की ऊपरी सीमा को लेकर कोई राशि तय नहीं की गई है, जिसका मतलब है कि आप अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार अधिकतम राशि निवेश कर सकते हैं। जिस बच्चे के नाम पर योजना शुरू की जाती है, 18 साल के बाद वह एक पूल एनपीएस अकाउंट बन जाता है। इसके बाद माता पिता द्वारा वह अकाउंट बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर बच्चा खुद उसमें निवेश कर सकता है। निवेश का उदाहरण, अगर हम हर महीने 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, तो बच्चा जब 18 साल का होगा तब तक उनके नाम करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो जाएगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता पिता और अभिभावक बच्चों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकते हैं, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और सुनिश्चित हो सके।